साइमन कमीशन टोटली इन हवाले का फेल्ड थी हाँ जैसे यो वही मतलब वो डिसअपॉइंटमेंट वाली गाल हुई तो जैसे एकड़ी कमीशन भेजो मोकलो वो कमीशन निराश थी करे उन्हें कुछ भी हासिल न थो तो वह कमीशन जैसे कुछ भी नई सकी तो बाद में उन कमीशन के रिप्लाई में अस डा त प्रोपोजल इंदा ब प्रोपोजल कड़ा इंदा तो एक प्रोपोजल इन नेहरू रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट उन नेहरू रिपोर्ट को बो इन 14 पॉइंट्स ऑफ कायद हाँ जैसे साइमन कमीशन फेल्ड थी वो उन साइमन कमीशन के फेल्यूअर को कांग्रेस जी रिपोर्ट दी कांग्रेस चवी असाजे ही डिमांड्स जी अस चाहूँ हिंदुस्तान में नाफिज थियन उन डिमांड्स की कांग्रेस अंग्रेज सरकार जो रखी है तो अस उन याद कंदा नेहरू रिपोर्ट के नाले से नेहरू रिपोर्ट जैसे वह इंदी है तो वह मुसलमान के एतरी बुरी लगती है जो चव उन मुसलमान के वरी या गाल गिला इन में सिर्फ वेरी हिंदुस्तान की कांग्रेस पार्टी है सिर्फ हिंदुन जो मतलब सेफगार्ड किया हिंदुन की नुमाइंदगी कई है जैसे तो उनके मुसलमान के ऑल टुगेदर उन्हें रिजेक्ट कर छोड़ा उनके नज़रअंदाज कर छोड़ा उन नेहरू रिपोर्ट के पर खिलाफ नेहरू रिपोर्ट के अगेंस्ट एक अस मुस्लिम लीग की तरफ एक रिपोर्ट इंदी है जैसे असं कायद आजम जहाँ 14 पॉइंट ऑफ कायद आजम के नाले से सदींदा तो हाँ नेहरू रिपोर्ट हुई नेहरू रिपोर्ट में कड़ी कड़ी डिमांड्स रखी वही हुई नेहरू रिपोर्ट के जिद में मुस्लिम लीग कड़ा 14 पॉइंट्स ऑफ कायद आजम दिना हुआ जैसे 14 पॉइंट्स ऑफ कायद आजम पाकिस्तान स्टडी के स्टडीज में अस याद कंदा तो ये अस पढ़े इंदर लेक्चर में नेहरू रिपोर्ट हुई 14 पॉइंट्स ऑफ कायद आजम हुआ तो हाँ योड़ो तसलसुल जैसे तवे जहन में रखो आ साइमन कमीशन आयो 1927 में उन 1927 में साइमन कमीशन को उनको हिंदुस्तान के बिन वरी पार्टी कांग्रेस ए मुस्लिम लीग बायकॉट कर छोड़ो उन बायकॉट को कांग्रेस के तरफों रिपोर्ट आई जैसे नेहरू रिपोर्ट चवन 1928 में उनमें कांग्रेस डिमांड्स पेश क्यों अंग्रेजन के असा ही शूँ चाहूँ था अंग्रेज सरकार हिंदुस्तान में नाफिज करें जैसे त उ नेहरू रिपोर्ट मुस्लिम लीग के सफा बुरी लगी और नेहरू रिपोर्ट के जिद में एक मुस्लिम लीग पाजी पॉइंट्स दिना जैसे अस 14 पॉइंट्स ऑफ कायद आजम के नाले से सदूँ था तो उन 14 पॉइंट्स ऑफ कायद आजम में कायद आजम और मुस्लिम लीग पाजी एक डिमांड्स पेश कई अंग्रेज सरकार के तो उन फर्दर अगत यो अस डिस्कस कर लेक्चर में।